60,000, 60,000। हेलो गीक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यश एंड आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। आज जैसे कि आप अभी तक गेस कर ही चुके होंगे, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इसको। क्या ये एयरपॉड्स मैक्स? आई ऑलरेडी नो, मतलब दिस थिंग डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। ऑलरेडी इसके ऊपर इतने मीम्स एंड इतनी हाइप इसकी मच चुकी है कि इंट्रोडक्शन की तो बात ही नहीं होती। बट स्टिल ये है एयरपॉड मैक्स और इसको आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड जितने भी पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो पॉइंट्स प्योरली होने वाले हैं मेरे यूजेज एंड मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर जो मैंने गैदर किया है अभी तक। एंड इस वीडियो को और आसान बनाने के लिए मैं आपको ये वीडियो तीन पॉइंट्स में समझाऊंगा। जो सबसे पहले वो चीज़ें जो मुझे इसके बारे में अच्छी लगी, सेकंड वो चीज़ें जो काइंड ऑफ न्यूट्रल थी, काइंड ऑफ वो चीज़ें थी जो हो सकता है मुझे बहुत पसंद है बट आपको नहीं है, बट हो सकता है आपको बहुत पसंद है एंड मुझे नहीं। एंड देन थर्ड जिस पे हम म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं कि भाई ये तो मज़ा नहीं आया, ऐसी वाली चीज़ें। तो बिना देरी किए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। तो फर्स्ट थिंग दैट आई नो यू विल डेफिनेटली एग्री विद मी इज इसका डिज़ाइन। देखो ऐसा डिज़ाइन आई हैव नेवर सीन इन एनी हेडफोन्स बिफोर एंड इट इज़ काइंड ऑफ न्यू। डिज़ाइन को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि भले ही आपका सिर बहुत छोटा हो या फिर बहुत बड़ा हो, ये हेडफोन्स आपके सिर के ऊपर प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएंगे एंड साउंड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ आपको डिज़ाइन की वजह से कभी नहीं करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ अगर आप कंट्रोल्स को देखें तो सिर्फ दो बटन से आप पूरे हेडफोन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर एप्पल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हेडफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने बोरो किया है डिजिटल क्राउन फ्रॉम एप्पल वॉच एंड उसने अलाउ किया है इस डिज़ाइन को एक बहुत ही मिनिमल लुक देने में एंड आई शुड से ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस प्रोडक्ट के बारे में वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब देखो आई ऑलवेज से एप्पल नेवर कॉम्प्रोमाइजेज विद द बिल्ड क्वालिटी ऑफ इट प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट सपोर्ट्स दैट स्टेटमेंट। प्रोडक्ट के किसी भी एंगल को आप ले लीजिए, भले ही आप हेडबैंड के बारे में बात कर लीजिए जिसपे काइंड ऑफ मेश ये डिज़ाइन है जो कि बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ही सेटिस्फाइंग सा ये फीलिंग देता है, या फिर इस मटेरियल की बात कर लीजिए जो काइंड ऑफ रबरी येट स्टर्डी सा आपको एक ग्रिप देता है, ये मटेरियल भी बहुत अच्छा है, सेटिस्फाइंग है। इसके अलावा अगर आप ईयर कप्स पे यूज्ड मटेरियल की बात करें तो ये भी काफ़ी सेटिस्फाइंग सा एंड कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट सा एक ग्रिप आपको देता है। इसके अलावा ये जो मटेरियल बाहर यहाँ पर यूज़ किया है जो काइंड ऑफ एल्यूमिनियम लुक आपके ईयरफोन्स को हेडफोन्स को देता है, ये भी बहुत प्रीमियम एक डिज़ाइन देता है। सो ओवरऑल मैं इसको इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर तो 10 out of 10 ही दूंगा। मूविंग ऑन टू एक और चीज इस प्रोडक्ट के बारे में जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन यूज्ड इन मेकिंग दिस प्रोडक्ट। आई मीन अगर आप इस रेंज के किसी और प्रीमियम हेडफोन के ऊपर जाते हैं तो आप इजीली नोटिस कर सकते हैं वो सभी हेडफोन्स के ऊपर बटन्स दे के मार के रखते हैं। आपको एक छोटा सा कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे बटन में कंफ्यूजन हो सकता है एंड जो अल्टीमेटली आपके एक्सपीरियंस को ख़राब भी कर सकता है क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, बटन्स किसको इतने ज़्यादा पसंद है। वेयर एज अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट के बारे में तो इसमें आपको डिजिटल क्राउन मिल जाता है जो ऑलमोस्ट 90% ऑफ आपके कंट्रोल्स को फंक्शन कर लेता है। उसके अलावा 10% कंट्रोल्स को परफॉर्म करने के लिए एक बटन मिल जाता है एंड ये बटन आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इनेबल भी करता है। एंड लेट मी टेल यू, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इज नेक्स्ट लेवल इन दिस प्रोडक्ट। आई थिंक इतनी सुपर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आई डोंट थिंक मैंने किसी हेडफोन में और सुनी है इसके अलावा। एंड नाइन माइक्रोफोन्स वर्क करते हैं एक साथ जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को इतना ज़्यादा बेटर बनाते हैं एंड दिस इज़ वाई आई सेड की टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज इन दिस प्रोडक्ट इज नेक्स्ट लेवल। और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल टेक की कैटेगरी में पुट करती है एंड इसका एक एग्जाम्पल अगर दूँ तो बैटरी सेविंग मोड। आई मीन इज इट जस्ट अमेजिंग कि अगर आपको हेडफोन्स में सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं तो जस्ट पुट इट इन साइड योर केस एंड वो केस ऑटोमेटिकली इसको एक स्टेट में पुट कर देगी जिसमें आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी हेडफोन्स की। नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल। एंड अगर इस केस के बारे में बात शुरू हो ही चुकी है, इस केस का टॉपिक आया ही है तो हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, मतलब इतना ज़्यादा ट्रोल्ड केस आई डोंट थिंक किसी और प्रोडक्ट का होगा। दिस आई एम नॉट डिनाइंग विद द फैक्ट व्हाट पीपल आर सेइंग, हाँ दिस इंडीड डज लुक लाइक अ ब्रा
एंड आई डोंट नो बट इसका डिज़ाइन काइंड ऑफ थोड़ा ऑड है, बट अगर आप एक यूज़र पर्सपेक्टिव से देखें तो इतना ज़्यादा ये बग आपको नहीं करता, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें अपने हेडफोन्स की पावर कैपेसिटी से मतलब है, पावर सेविंग मोड से मतलब है, डिज़ाइन से थोड़ा मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। एंड वॉट मोस्ट पीपल डू नॉट नो अबाउट दिस इज इसको आपने ही मार्केट किया है, एक्चुअली आपने ही मीम्स वगैरह शेयर करके इस प्रोडक्ट की इतनी हाइप मचाई है कि लोगों को, जिसको नहीं भी पता होगा उसको भी पता चल जाएगा कि भाई एप्पल का एक हेडफोन आया है जिसका केस काइंड ऑफ ऑड डिज़ाइन है, बट मार्केट तो यहाँ पे एप्पल का हेडफोन ही हो रहा है ना, सो आप ऑटोमेटिकली इसको मार्केट कर रहे थे एंड आपको पता भी नहीं चला। और हेडफोन्स के केस के बारे में बात करते हुए, अगर आप इस केस को जस्ट देखें तो मुझे लगता नहीं है कि ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम इसकी भी बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही स्मूथ फिनिश है, बहुत सॉफ्ट सा एक मटेरियल है, आई डोंट थिंक ये सिलिकन मटेरियल है एग्जैक्टली, बट जो भी ये मटेरियल है बहुत ही स्मूथ है एंड काइंड ऑफ बहुत सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आपको मिलती है जैसे ही आप इसको टच करते हैं, एंड आई डोंट थिंक इसके जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा अगर आप ये हेडफोन्स खरीदेंगे। मूविंग ऑन टू एक और ऐसी चीज़ जो मुझे लगा कि भाई बहुत अच्छी है इस प्रोडक्ट के अंदर, वो है स्पेशल ऑडियो। देखो स्पेशल ऑडियो को अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जाएं तो बेसिकली 3D ऑडियो में बोल सकता हूँ, ये एक 3D ऑडियो टेक्नोलॉजी होती है जो आपको अलाउ करती है उस डायरेक्शन में म्यूजिक सुनने का जिस डायरेक्शन में आपका जो डिवाइस है वो रखा हुआ है। एंड अभी तक सपोर्टेड डिवाइसेस बस एयरपॉड्स प्रो एंड एयरपॉड्स मैक्स है। एयरपॉड्स प्रो भले ही स्पेशल ऑडियो को पहले लेकर आ चुका हो, बट दिस थिंग दैट इज केप्ट राइट हियर इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट इफ आई टॉक अबाउट स्पेशल ऑडियो। एंड एयरपॉड्स प्रो की स्पेशल ऑडियो को मैच करने में कॉम्पिटिटर्स को आई एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, एंड इसका स्पेशल ऑडियो तो अनमैच्ड रहने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। ठीक है, ये तो वो चीज़ें थी जो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी लगी, जिनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ, बट अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो काइंड ऑफ न्यूट्रल थी, मतलब ठीक है आपको पसंद आ सकती हैं मुझे नहीं आ सकती, ऐसी वाली काइंड ऑफ चीज़ें। सबसे पहली चीज़ साउंड क्वालिटी, हाँ हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी। देखो मैं इसमें कंप्लेंट नहीं करूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 60,000 पे कर रहा हूं तो आई एक्सपेक्ट अ बेटर साउंड देन दिस वन, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट 60,000 इज अ प्रीटी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड आपको इस रेंज में इससे बेटर साउंड आउटपुट मिल जाएगा अगर आप थोड़ा ढूंढेंगे इधर उधर। बट हाँ, मैं ये भी यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा, ऐसा हो सकता है कि ये पॉइंट आप पॉजिटिव में पुट करें साउंड क्वालिटी को, क्योंकि मे बी आपके लिए आपको साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर पाए बट मुझे ना कर पाए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल ही स्टूडियो लेवल जो हेडफोन्स होते हैं उनकी अगर आपको आदत है तो आपको ये हेडफोन्स डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं, बट इसीलिए मैंने इसको न्यूट्रल में रखा है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन यूज़र टू यूज़र। मैंने इसी साउंड क्वालिटी को ऑलमोस्ट सभी म्यूजिक एप्लीकेशंस के साथ यूज़ किया, लेट इट बी अमेज़न प्राइम म्यूजिक, लेट इट बी गाना, लेट इट बी स्पॉटिफाई, लेट इट बी एप्पल म्यूजिक, बट आई शुड से इसका आउटपुट अच्छा था, गुड इनफ था, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग वाव, क्योंकि जितनी इसकी अच्छी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है ना, मतलब लाइक एकदम से वो ग्रास्प कर लेती है एंड ऑडियो सारी जितनी भी नॉइस होती है वो सारी कैंसिल आउट हो जाती है, वैसा ही मैं कुछ साउंड क्वालिटी इसे एक्सपेक्ट कर रहा था, बट शायद वो ये उस लेवल पर ऑफर नहीं कर पाया। दूसरी ऐसी चीज़ जो मुझे काइंड ऑफ न्यूट्रल लगी वो थी इसका प्राइस, क्योंकि 60,000 इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द फीचर्स दैट दिस थिंग इज प्रोवाइडिंग, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द टेक दैट दिस थिंग इज प्रोवाइडिंग, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जस्टिफाइड अमाउंट ऑफ मनी है, बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट साउंड क्वालिटी तो आई शुड से कि ये इतना जस्टिफाइड प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है, सो दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि यहाँ पर साउंड क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी एक ऐसा पॉइंट है जो डिपेंड करता है यूज़र टू यूज़र। मूविंग ऑन टू ऐसी चीज़ें जो मुझे इसके प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मतलब बिल्कुल लगा कि यार कुछ गलती तो नहीं कर देना ऐसा प्रोडक्ट लेकर, एंड दिस थिंग इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव, बट लेट्स बी ऑनेस्ट एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस टू साइड्स, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं कुछ चीज़ें बुरी होती हैं, एंड ये भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि ये एप्पल का फर्स्ट हेडफोन है, मतलब इससे पहले ऑल्दो बीट्स वगैरह वाली सीरीज आ चुकी हैं, बट ये ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ एप्पल का ये फर्स्ट हेडफोन्स है, एंड आई डोंट थिंक इसको इतनी जल्दी जज करना चाहिए, बट नेगेटिव्स में अगर इस प्रोडक्ट में है तो करने पड़ेंगे ना, मैंशन तो करने पड़ेंगे ना, सो लेट्स कीप दिस थिंग्स इन माइंड एंड डिस्कस करते हैं इसके नेगेटिव्स। सबसे पहली चीज़ इसका केस,
Now when I'm talking about the case, don't get confused कि मैं डिजाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिजाइन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मुझे उसके साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रोटेक्शन की। देखो केसेस का क्या फंडा होता है, केसेस आर मेंट टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस, बट इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है, इसका केस का डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपके हेडफोन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, एंड अगर आप इसको काइंड ऑफ रफ यूज करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको उसके इफेक्ट्स हेडफोन्स पर डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू येट अनदर चीज जो मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नहीं लगी बोल सकते हैं, वो ये है कि ये टोटली डिपेंडेंट है एप्पल के इकोसिस्टम के ऊपर, एंड अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो दिस थिंग इज यूजलेस, लिटरली यूजलेस, 60,000 वेस्ट। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं इसको बाय करने का बट आपके पास आईफोन नहीं है तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस प्रोडक्ट को बाय करें। एंड इसके अलावा अगर आपके पास आईफोन है, मतलब दिस थिंग लिटरली पुशेज यू टू बाय एन आईफोन। अब मुझे नहीं पता वो कौन होगा जिसके पास आईफोन नहीं है बट वो हेडफोन्स के लिए जा रहा होगा, बट अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करें, एंड बहुत ख़राब एक एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो सच्ची सच्ची बोलूँ, अगर मेरे पास 60,000 रुपीज़ है और मैं उसको स्पेंड करके ये हेडफोन्स लेता हूँ, और लेट्स बी ऑनेस्ट मेरे पास आईफोन भी है, तो मैं इनकी कंपैटिबिलिटी को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकता हूँ, बट मेरे घर वाले जिनके पास बाय चांस अगर आईफोन नहीं है वो मुझे जान से मार देंगे 60,000 रुपीज़ का हेडफोन खरीदने के लिए। जोक्स अपार्ट, 60,000 इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके इकोसिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी की, तो इस चीज का भी ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, दिस वॉज माई ऑब्जर्वेशन, दिस वॉज माई अंडरस्टैंडिंग, दिस वर माई पॉइंट्स जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। नीचे कमेंट्स में जाकर मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छी लगती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बुरी लगती है, एंड ऑल्सो ये भी बताना मुझे कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल, सो दैट हमारे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना कर पाएं। मैं यश आपसे नॉइस कैंसिलेशन करने के बाद अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।